सिवनी जिले के थावरी गांव में एक आदिवासी किसान राकेश बरकड़े की आत्महत्या के मामले में अब राजनीतिक दाव पेश शुरू हो गए हैं। गुरुवारा गणतंत्र पार्टी की अपील पर सिवनी बंद रखा गया। वहीं पहले बंद का समर्थन करने वाले कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को इस बंद से अलग रखा। हालांकि गुरुवारा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरा सिंह मरकाम सहित सभी प्रमुख पार्टी नेताओं ने सिवनी पहुंचकर प्रदर्शन में भाग लिया। उस मौके पर कई जिलों से गुरुवारा कार्यकर्ता भी पहुंचे। हालांकि बंद को मिला जुला समर्थन मिला, लेकिन बंद के दौरान किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर रखा था। समुचित मुआवजा सब किसानों को दिया जाना चाहिए। आदिवासी किसान की आत्महत्या के मामले में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और भाजपा अब आमने सामने आ गई है। सिवनी की भाजपा विधायक रीता पटेरिया द्वारा आत्महत्या के मामले में की गई टिप्पणी अब उनके गले का साथ बन गई है। गौरतलब की विधायक ने इस आत्महत्या की वजह कृषि में घाटा होना बताया था। विधायक की इसी टिप्पणी के विरोध में अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सड़क पर उतर आई है। प्रदर्शन के दौरान आयोजित सभा में नेताओं ने विधायक सहित मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा। वही इस मामले में कांग्रेस अपनी भूमिका तय नहीं कर पा रही है। पहले पार्टी ने बंद को समर्थन देने की घोषणा की थी, लेकिन बता रहे किस रणनीति के चलते उसने बंद से अपने आप को अलग रखा। मैं ये कहना चाहूंगी कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने जिस तरह सऊदी अरेबिया ने कहा है कि आदिवासियों को पानी की जरूरत नहीं है, आदिवासियों को सीखने की जरूरत है। आदिवासी में रीता पटेरिया का ऐसा स्वास्थ्य मत कहना व्यर्थ है। या तो वो आदिवासियों के इतिहास को नहीं जानेंगे, ये तो राजनीति है। और गोराना गणतंत्र पहले यही था कि स्वास्थ्य लेकर जरूरी कार्यकर्ता से लेकर बिहार नव कौशल के कई जिलों में अपना खासा कदम रखने वाली गोंगपा को बैठे विधायक सरकार को घेरने का नया मुद्दा मिल गया है। अब आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस इस मामले में क्या रुख अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट सिडनी। भोपाल के करण चौराहे के पास एक मैदान में पशु का सम्मिलन